आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के 5 दिवसीय पंजाब दौरे का आज तीसरा दिन खडूर साहिब और अमृतसर का करेंगे रुख। शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने भीम टांग के परिवार को दिल्ली में ऑफर की नौकरी। अरविंद केजरीवाल ने सीएम बादल को लिखी चिट्ठी, 1 साल के लिए बैंकों की ओर से किसानों की कर्ज वसूली पर रोक लगाने की मांग। सुखबीर बोले, राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस ने गजेंद्र से खुशी की दिलाई याद। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में नवजोत सिंह सिद्धू पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा अगर आते हैं तो कांग्रेस करेगी नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत। नवजोत कौर सिद्धू के 84 दंगा पीड़ितों के लिए आई राशि पर सवाल के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार वेरका का एक्शन, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और अमृतसर लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को भेजा नोटिस। केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला में शुरू करेंगे कई विभागों की ई सेवाएं, करीब 2 बजे किया जाएगा शुरुआत। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने सियाचिन से सेना हटाने की संभावनाओं से किया इनकार, कहा अगर सियाचिन से सेना हटी तो दुश्मन उस पर कर सकता है कब्जा। बांग्लादेश में खेले जा रहे एशिया T20 कप में भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। आज T20 मैचों में भारत पाकिस्तान में हुए कुल 6 मैच, 5 में जीता भारत।